मोमिन मलिक खुद आएगा इस्लामाबाद गुलाम हैदर का वीजा लगवाने के लिए। अगर गुलाम हैदर के वीजा मिलने में किसी प्रकार की कोई अड़चन आई, कोई डॉक्यूमेंट्री अड़चन या कोई और किसी प्रकार की अड़चन, तो मोमिन मलिक खुद आएगा इस्लामाबाद गुलाम हैदर का वीजा लगवाने के लिए। मैंने जो कानूनी कार्रवाई की है सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ, सबसे पहले मैंने अपना बैकडोर का दरवाजा बंद किया है, उस पे बहुत मोटा ताला लगाया है बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, ताकि बैकडोर से कोई गुंजाइश रहे ना। एक ही मकसद है, सीमा को कराऊंगा जेल और गुलाम हैदर के बच्चों को उसको दिलाऊंगा, बस। कोई बैकडोर एंट्री नहीं। इसके रास्ते में जो भी इंसान आएगा या जो भी इस कानूनी रास्ता में अड़ंगा अड़ाने की कोशिश करेगा, उन सबकी कानूनी रूप से खैर नहीं है और उन सबको भी कानूनी रूप से लपेटे में ले लिया जाएगा, क्योंकि ये इंसाफ की लड़ाई है, हक की लड़ाई है और ऐसे अभागे बाप की लड़ाई है जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके साथ धोखा हुआ है, फरेब हुआ है और उसकी हस्ती खेलती जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया गया, और जिसने भारतीय कैदी भारतीय लोगों को मदद के लिए पुकारा है, भारत के वकील को मदद के लिए पुकारा है, भारत की सरकार को मदद के लिए पुकारा है, भारत के प्रधानमंत्री को मदद के लिए पुकारा है और भारत के योगी आदित्यनाथ को मदद के लिए पुकारा है, भारत की सरकारों को मदद के लिए पुकारा है, भारत के अधिकारियों को, भारत की एजेंसी को मदद के लिए पुकारा है और हाथ जोड़ के वो रोज विनती करता है, हमारे भारत को महान कहता है, तो ऐसे इंसान की हम सब मदद कर रहे हैं और आगे भी मदद करेंगे। इनको कोई कानूनी रास्ता नहीं मिल रहा, इनको जवाब देने को नहीं बन रहा, इनको डिफेंस भी नहीं पता लग रही कि हम क्या कहें। कभी कहते हैं जी मैंने पाकिस्तान में धर्म चेंज कर लिया था, कभी कहती है, एक सर्टिफिकेट दिखाती है, कहती है जी मैंने भारत में चेंज किया है, हड़बड़ा गए, अपने ही जवाब में अपने ही रिप्लाई में खुद फंसते चले जा रहे हैं, और सीमा को जो जो फंसती चली जा रही है उसका कारण है स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट डॉक्टर एपी सिंह उसको लिख के भेजते हैं, वो उसी को कैसेट की तरह रील की तरह चलाती है, उसको अपना दिमाग नाम की मुझे तो लगता नहीं कोई चीज होगी। वो जैसा वो गुमराह करता है, वो उसके चक्कर उसके लगता है कि डूबते को तिनके का सहारा के साथ ये बचा लेगा, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि ये खुद डूबने वाला है। हमने 3 डिफेमेशन केसेस फाइल किए हैं, एक हमने इसके फर्जी मैरिज को चैलेंज किया है, उसमें नोटिस जारी हो चुके हैं, 20 सेक्शंस के अंदर हमने 156(3) कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दी है, और हमने गुलाम हैदर जो बेल का वायलेशन किया जा रहा था उसमें हमने कोर्ट ऑफ कंटेंप्ट एक्ट की सेक्शन 2 की सी 1971 एक्ट के मुताबिक हमने ऑनरेबल कोर्ट में याचिका लगा दी है कि ये बेल की जो आपने कंडीशन दी थी उनका वायलेशन कर रही है, और हमने गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम से मिलवाने के लिए हमने कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाल दी है। तो भारत में आने से पहले गुलाम हैदर के बच्चों को अगर माननीय अदालत ने ऑर्डर पास कर दिया तो उनसे फोन के द्वारा भी मुलाकात हम करवा रहे हैं, जो आपको जल्दी हम बता देंगे। अभी गुलाम हैदर को बुला रहे हैं और उन तमाम लोगों को भी मैं बुला रहा हूं जो हमारे लिए एविडेंस देंगे सीमा के खिलाफ, और जो सीमा किसी रूप में मना कर ही नहीं सकती कि ये मेरा चाचा नहीं है, मेरी ताई नहीं है, ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरे जीजा नहीं है, ये मेरे फला नहीं है, तो जो भी एविडेंस होगी वो सारी हम ऑनरेबल कोर्ट में अपनी एविडेंस को रखेंगे और दुनिया के सामने भी रखेंगे और दुनिया को बताएंगे कि किस प्रकार झूठ परोसा जा रहा है, और किस प्रकार एक तरफ तो वो कह रही है कि मेरी बहन को धमकाया होगा, हैदर ने धमकाया होगा, तो एक तरफ तो आप कह रहे हो धमकाया होगा, इसका मतलब आप मान रहे हो कि वो आपकी बहन है। 11 देर आर द 11 केसेज आर पेंडिंग बिफोर दी ऑनरेबल कोर्ट। 1 केस वॉज ड्रोन बाई मी टू विद इन लिबर्टी टू फाइल दी फ्रेश, and I have already filed the fresh suit which was accepted by this honorable court and proper legal notice for appearance was issued to the all respondent like AP Singh, Seema Hadar, Sachin Meena and the Prohit Pandit and other will be
soon called by the Honorable Court as well as we know their names. Then we file the separate application to mention their names in the petitions as a respondent. And the court will be send the appearance notices to all persons, those have attended the fake and forgy marriage and forged marriage. भाई साहब, मेरा पूरे भारत के लोग, मेरे भारत की जनता, मेरे भारत की माए, बहने, बेटियां, नौजवान, बुजुर्ग और जो इंसानियत के लिए हैदर की मदद कर रहे हैं, इंसानियत के लिए आवाज उठा रहे हैं, भारत के यूट्यूबर्स और गलत को गलत और अच्छा को अच्छा कहने वाले लोग, उन सब ने, आप उनके कॉमेंट्स पढ़िए, इसको ऐसे से जवाब दिए हैं कि अगर कोई आम इंसान होता तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता। मुझे जवाब देने की तो शायद बाद में नौबत आई है, मेरे भारत के लोगों ने पहले जवाब दिए अपनी तरफ से मेरे। तो ये मैं अपने भारत के लोगों का दिल से अभिनंदन करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपना प्यार दिया और इसके एलिगेशन को समझा और उन्होंने इसका जवाब दिया। बाकी कानूनी रूप से मैंने इसको 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दिया है और 7 दिन का समय दिया है, टाइम दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर अपनी जो लैंग्वेज इसने इस्तेमाल करी है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और फेक जो ब्लेम इसने मुझ पर इम्पोज करने की कोशिश की है, उनको विद माफी विड्रॉ करें और हर्जाने और जुर्माने के तौर पर 10-10 करोड़ रुपए अदा करें। अगर ये ऐसा नहीं करता है तो मैं इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कोर्ट में फाइल करूंगा। इसके अलावा मैंने एक क्रिमिनल कंप्लेंट डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ, सीमा के खिलाफ और सचिन मीना के खिलाफ और कम से कम उन 10 ऐसे यूट्यूबर्स के खिलाफ जो जिनके चैनल्स भी हैं, अकाउंट्स भी हैं, जो धमकी दे रहे थे, जो गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, फर्जीवाड़ा करके, फर्जी मैनिपुलेशन करके, फर्जी आईडी बना के बोल रहे थे, ऐसे कम से कम 10 लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया है और 5 ऐसे लगभग 15 लोगों को मैंने इन्वॉल्व किया है, 15 लोगों को इन्वॉल्व किया है और वो शिकायत दर्ज हो चुकी है और उसमें एक इंस्पेक्टर लेवल के जो 3-स्टार SHO लेवल है वो उसमें अपनी जांच कर रहे हैं, तमाम रिकॉर्ड और सबूत उनको दे दिए गए हैं और जल्दी उसमें कानूनी कार्रवाई होगी और उसके अंदर एक पुलिस अधिकारी, जैसा कि मुझे जांच में सामने आया है, वो सीमा हैदर के घर भेजा जा रहा है और उनको हो सकता है थाने में बुलाया जाएगा। सीमा हैदर को सिक्योर भारत में आए, सिक्योर अपने देश में वापस जाए अपनी कानूनी प्रक्रिया करके, तो वो हमारे भारत की सरकार इस मामले में, हमारी सुरक्षा एजेंसीज, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो सक्षम है, मजबूत है और उनके रहते हुए हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और वो अपने काम को बखूबी अंजाम देना जानते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी और किसी प्रकार की कोई लैप्स, सिक्योरिटी लैप्स नहीं होगा। ना तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ना एपी सिंह लड़ रहा है, ना कोई सीमा हैदर लड़ रही है, ना सचिन लड़ रहा है, कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा, उसका कोई काम ही नहीं है। और तीसरी बात जो इसका असल कारण है वो ये है कि इलेक्शन का दौर हमारे भारत में है तो आजकल इलेक्शन की न्यूज लेने के लिए बहुत सारे हमारे चैनल जो है वो इलेक्शन कमीशन के गेट पर खड़े होते हैं ताकि कोई नई न्यूज मिले तो उसमें उसको कवर किया जा सके। अब जनाब की कार वहां से निकल रही होगी तो देख लिया कि 10-20 चैनल खड़े हैं तो फौरन से गाड़ी घुमा के आए होंगे और 4 लाइन लिख के रखना, खड़े हो गए गेट के ऊपर, अरे भाई तुम्हें कंप्लेंट देनी है, तुम अंदर जाओ ना, ताकि जो कैमरे वहां खड़े हुए वहां कवरेज मिल जाए और पब्लिसिटी मिल जाए और थोड़ी बहुत चर्चा चल जाए। लेकिन कैमरे वाले भी इससे बच बच के भागने लगे हैं, सबको पता है, कैमरामैन भी भाग जाता है, जर्नलिस्ट भी देख के भाग जाता है, यार कौन है। चलो, देश की जनता टीवी बंद करने लगी है, अगर कहीं इसका कोई गलती से रोल आ जाए तो टीवी बंद कर देते हैं, ये सोचेंगे जेल में जाते हुए भी कवरेज होगी, जेल से निकलते हुए भी कवरेज होगी, मतलब पब्लिसिटी मिलनी चाहिए, चाहे जेल में जाना पड़े चाहे जेल से बाहर आना पड़े। सही बात है, इज्जत का कोई ख्याल नहीं। हर हाल में कैमरे
में वो फोकस होना चाहिए बस। ये बिल्कुल सही कई बात। आदमी आदत से मजबूर हो जाते हैं, हो जाता है कई बार। ये भी एक तरह का जो है ना, ये भी जो पब्लिसिटी फोबिया होता है वो हो जाता है, कहीं कहीं असर कर देता है। सबसे बड़ी बात है कि जो अपने आप को तैराक समझता है ना, बहुत बड़ा तैराक समझता है, वो आपने देखा होगा वो तैराक ही डूबता है। उस आदमी में मेरा कोई मुकाबला नहीं, और उसके अंदर गलत फहमी थी, वो समझता है कि भारत में मैं ही वकील हूं और मेरे मुकाबले का कोई भी वकील नहीं है, वो इस गलत फहमी में था। लेकिन उसने मेरे से पर्सनल अटैक करके उड़ता हुआ तीर ले लिया, उसने मेरी रेपुटेशन का हास किया है। उसको मैंने 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दिया है। मोमिन मलिक खुद आएगा इस्लामाबाद गुलाम हैदर का वीजा लगवाने के लिए। अगर गुलाम हैदर के वीजा मिलने में किसी प्रकार की कोई अड़चन आई, कोई डॉक्यूमेंट्री अड़चन या कोई और किसी प्रकार की अड़चन, तो मोमिन मलिक खुद आएगा इस्लामाबाद गुलाम हैदर का वीजा लगवाने के लिए।